आजकल ज्यादातर लोगों में पेशेंस खत्म हो चुका है, यानी कि सब्र करने की शक्ति खत्म हो चुकी है और आज के समय के लोगों को इसी वजह से असफलता का मुंह देखना पड़ता है। तो आज के इस ऑडियो लर्निंग में आपको एक ऐसा ढासू तरीका पता चलेगा जिसे अगर आपने अपना लिया, सच में कहता हूँ, सफलता उसके कदम चूमेगी। तो यार, ज्यादा देर ना करते हुए चलिए ऑडियो लर्निंग की शुरुआत करते हैं। एक अशोक नाम के व्यक्ति को अपना व्यापार शुरू करना था, लेकिन अभी तक वो कुछ नहीं कर रहा था। बस उसकी प्लानिंग थी कोई नया व्यापार शुरू करने की। वह कुछ पैसा अपने पिता से लेता है और व्यापार शुरू कर देता है। कुछ दिन तक वो उस व्यापार को मन से करता रहता है, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। कुछ समय के बाद उसके ऊपर थोड़ा कर्ज हो जाता है और इसी वजह से वह व्यापार छोड़ने की बात करने लगता है। हालांकि उसके पिता उसे समझा रहे थे कि बेटा, व्यापार न छोड़ो, इसमें कुछ समय और लगाओ, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अशोक अपने पिता की एक न सुनी और उसने अपना व्यापार बंद कर दिया। उसके बाद अब वह नौकरी करने लगा था। उसे ठीक ठाक सैलरी भी मिल जाती थी। ऐसा ही कुछ दिनों तक चलता रहा। अब अशोक की शादी भी हो चुकी थी और उसके दो बच्चे भी हो गए थे, लेकिन अब अशोक का काम स्लो हो गया था। उसे बराबर टाइम पर सैलरी नहीं मिल रही थी, इस वजह से उसने काम छोड़ दिया। अब वो खाली घर पर बैठा हुआ था। जहां भी काम के लिए जाता, उसे कोई काम नहीं मिल रहा था, और अगर कहीं काम मिल भी जाता तो कुछ दिनों में छूट जाता था। वह और उसके परिवार के लोग बहुत परेशान हो गए थे। अशोक को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करे, कहां जाए जिससे सब कुछ ठीक हो जाए। उसे आगे कोई रास्ता दिखा दिखाई नहीं दे रहा था। उसके आगे सिर्फ एक ही रास्ता बचा हुआ था और वह रास्ता था आत्महत्या। उसने सोचा कि ऐसे जीवन से अच्छा है कि मैं इस जीवन को छोड़ दूं। और फिर एक दिन उसने आत्महत्या करने का इरादा बना लिया और वह नदी के पास पहुंच जाता है, वहां से कूदकर आत्महत्या करने के लिए। लेकिन वह हिम्मत जुटा नहीं पा रहा था कि कैसे वह इस नदी में कूदकर अपनी जान दे। तभी पीछे से एक आवाज आती है, बच्चा जान देने से समस्या हल नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। अशोक पीछे की ओर देखने लगता है। अशोक देखता है कि एक गुरु पीछे से उसकी तरफ आ रहे हैं और उसे अपनी तरफ बुला रहे हैं। अशोक उस गुरु के पास जाता है। तब गुरु अशोक से कहते हैं, क्या हुआ बच्चा, तुम अपनी जान क्यों दे रहे हो? तब अशोक अपनी सारी बात उस गुरु को बताता है और कहता है, मैं क्या करूं, भला आप ही बताइए। इस पर वह गुरु अशोक से कहते हैं, बच्चा, अगर तुम अपनी जान दे दोगे तो तुम्हारे परिवार का क्या होगा? वो तो बेचारे कहीं के नहीं बचेंगे। उनको तो बस अगर किसी पर भरोसा है तो वह तुम ही हो, और अगर तुम ही नहीं रहोगे तो वह बेचारे क्या करेंगे। तब अशोक कहता है कि तो क्या आप मुझे कोई ऐसा मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत बुरा समय चल रहा है, दो वक्त की रोटी का इंतजाम करना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया है। अब आप ही बताइए कि मैं ऐसे वक्त में जिंदा रहूं तो कैसे रहूं, कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपया करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी समझ भी नहीं पाऊंगा। यह सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि बच्चा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो। अगर तुम मेरा एक काम कर दो तो फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बताऊंगा। और वैसे भी तुम तो यहाँ मरने के लिए आए हो, मरने से पहले तुम्हें कोई पुण्य भी मिल जाएगा, या तो तुमको वापस से तुम्हारा अच्छा जीवन मिल जाएगा। अशोक के पास और कोई चारा भी नहीं था। उसने कहा कि हाँ गुरुजी, बोलिए मुझे क्या करना होगा। तब गुरु ने उसे सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास चींटियों का एक घर है जहां पर हजारों चींटियां रहती हैं। तुम्हें सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियां उस मंदिर की उपजा जमीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को खत्म कर देती है, जिसके कारण वहां पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप नहीं पाती है। तुम मेरा एक काम कर दो, उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब तुम्हें अवश्य दे दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाना और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर देना, उसको तोड़ देना।
जब भी तुम्हें उस मंदिर के आसपास कोई भी चींटियों का घर दिखाई दे तो तुम उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे कि घर को तोड़ने में एक भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए अशोक वहां से चला गया। शायद अशोक को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह गुरु ऐसा क्यों करवा रहे हैं। वह तो उन चींटियों पर अन्याय कर रहे हैं, उनका घर तोड़वा रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं। आखिर कौन महात्मा ऐसा करेगा। लेकिन फिर भी उस गुरु की बात मानते हुए वह अगले दिन से ही पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वह पहले दिन पहाड़ी पर पहुंच है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई हैं। सारी चींटियां कतार से चल रही हैं और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही हैं। यह देखकर पहले तो अशोक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि यह बेचारी इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूंगा तो इनको कितना बुरा लगेगा, कितनी तकलीफ होगी। लेकिन फिर उसने उस गुरु की बात को याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्दी चींटियों में हाहाकार मच गया। वह इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार पर चल रही थी अब वह बिखर गई थी और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी थी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर छुपने के लिए भाग चुकी थी। यह करने के बाद अशोक दुखी मन से वापस अपने घर पर लौट आता है। उसका मन बहुत परेशान था, दुखी था, पछतावे से भरा हुआ था। वह अपने बिस्तर में लेटे हुए सोचता है कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस से जाने का क्या फायदा होगा। क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए जो उस गुरु ने कहा था वह मैं कर चुका हूं। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन उसने फिर से जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वह वापस से उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वह उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उनके घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से अपना घर उसी जगह पर बना लिया था और अब वह फिर से अपने घर के लिए सामान इकट्ठा करने में जुट गई थी। अशोक यह देखकर सोचने लगा कि ये चींटी कितनी मूर्ख है। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर तबाह किया गया था और आज फिर से उसी जगह पर उन्होंने अपना नया घर भी बना लिया है। और यह सोचकर अशोक हंसने लगा। लेकिन फिर से उसने गुरु की बात को याद करते हुए उन चींटियों का घर तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी देर में वह चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और अशोक थोड़ा संतोष भरे भाव से, इस बार तो मैंने अच्छी तरह से इनके घर को तबाह कर दिया है, अब तो यह चींटियां यहां पर अपना घर बना ही नहीं पाएंगी। इसलिए जाने से पहले उसने उस घर पर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर न बना सके। और इस तरह अपना काम पूरा करके अशोक फिर से अपने घर लौट आया। आज रात में सोते वक्त फिर से अशोक यही सोच रहा था कि क्या गुरु यह सही काम करवा रहे हैं। क्या किसी का घर तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो अगर वह महात्मा सिद्ध पुरुष हो ही ना? क्या होगा अगर वह मुझे बेवकूफ बना रहे हो? लेकिन फिर उसने निश्चय किया कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता लगेगा कि वह गुरु मुझे ऐसा क्यों करवा रहे थे। और यही सोचकर वह रात में सो जाता है। अगले दिन सुबह उठकर वह फिर से उसी पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पर उसने उनके घर को तबाह कर दिया था और वह यह देखकर खुश हो जाता है कि आज वहां पर कोई भी घर नहीं था। सारी चींटियां वहां से भाग चुकी थीं। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज रोज आने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों ने तो अपना घर दो दिन में ही बदल चुकी है और गुरु ने तो मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था, लेकिन आज तो 3रा ही दिन है। 4 दिन वापस आने का क्या फायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि यहां से वह सीधा उस गुरु के पास जाए और उनको यह सारी बात बता देगा। जब वह वापस से मुड़कर उस पहाड़ी से उस गुरु की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नजर एक और घर पर पड़ी जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ था। मतलब कि वह घर भी चींटियों ने ही बनाया था और अब वह चींटियां
अपने नए घर में जा चुकी थी। यह नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूर पर था और जब अशोक की नजर उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद गुरु को पता था कि ये चींटियां अपना घर यहाँ से बदलकर किसी दूसरी जगह पर बना लेंगी, इसीलिए उन्होंने मुझे 7 दिन आने के लिए कहा था और यह विचार करके वह उनका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुंच जाता है। जब वह वहां पहुंचता है तो देखता है कि चींटियां उसी तरह अपने काम में लगी हुई थीं। वह अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जो पुराना घर टूटा था तो वहां भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियां वहां से भी अनाज इकट्ठा करके वापस अपने नए घर में ला रही थी। अब यहां फिर से का मन थोड़ा कमजोर पड़ गया क्योंकि वह खुद भी कमजोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था, इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति एक दया का भाव उमल रहा था। उनके ऊपर उसे दया आ रही थी, वह चाहता था कि वह उनको मदद करें लेकिन वह उल्टा उनको नुकसान पहुंचा रहा था। अशोक फिर से उस गुरु की बात को याद करते हुए उसने फिर से घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को कोई नुकसान पहुंचे वो उनका घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा ज्यादा लगा था क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचे, इसीलिए उसको बड़ी सावधानी के साथ उनके घर को तबाह करना था, लेकिन आखिरकार उसने उस घर को तबाह कर ही दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वह बड़े ही दुखी मन से अपने घर आ गया। इस बार वह पहले से भी ज्यादा दुखी था क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वह उन चींटियों को कहीं भी बसने नहीं दे रहा था और वह अब अपने आप को शैतान समझने लगा था। वह रात में सोने से पहले एक बार फिर से उसने सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूं, कितना बुरा हूं। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए कोई जगह ही नहीं दे रहा हूं। वो चींटियां मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना बददुआ देती होंगी। लेकिन फिर भी उसने अगले दिन जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहीं पर पहुंच गया। वो यह देखकर फिर से आश्चर्यचकित रह जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वह तो पहले से भी ज्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया था और अब वह फिर से अपना अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुट गई थी। यह देखकर अशोक को लगा कि यह चींटियां किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं इनको बार बार यहां से भगाने की कोशिश कर रहा हूं और यह है कि वहीं पर अपना घर बार बार बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहां पर इन्हें कभी भी बसने नहीं दूंगा। यह चींटियां दिखने में इतनी छोटी है लेकिन फिर भी यह मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है और इस बार उसने गुस्से में उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते समय कुछ चींटियां वहां पर मर गईं, उसके पैरों तले कुचल दी गई। कुचलने के बाद जब वह अपने अहंकार से बाहर आया तो उसने देखा कि गुस्से में उसने उन चींटियों को कितना नुकसान पहुंचा दिया है। उसका मन पछतापास से भर गया और वह रोता हुआ अपने घर की तरफ बढ़ गया। रात में सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज्यादा अत्याचार कर रहा हूं, अब इससे ज्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊंगा। और यही सोचकर वह अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वह उनकी मदद करना चाहता था और जब वह वहां पर पहुंचा तो उसने देखा कि चींटियां फिर से उसी जगह पर अपने नया घर बनाने में जुटी हुई थीं। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपना लाया हुआ आटा खिलाया। अगले 7 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से आटा खिलाता। 7 दिनों के बाद अशोक उस गुरु के पास पहुंचकर हाथ जोड़कर बोलता है कि हे गुरुवर, मुझे माफ कर देना। मैंने उन चींटियों का घर तबाह करने की बहुत कोशिश की, मैंने उनका घर तबाह भी किया। एक बार नहीं, 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया कि वापस से उनके घर को तोड़ूं। फिर मैं उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूं कि मैंने आपका काम पूरा नहीं किया और इसके बदले
आप मुझे वह तरीका भी नहीं बताएंगे जो कि मुझे मेरे बुरे समय से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे इसका कोई दुख नहीं है। मुझे लगता है कि मैंने जो भी किया है वो सही किया है, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे वापस अपने घर जाने के लिए आज्ञा दे दीजिए। यह सुनकर गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, थोड़ा जलपान तो कर लो, थोड़ी देर मेरे पास ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और यह कहकर वह गुरु अशोक के लिए पानी ले आते हैं। पानी पीने के बाद गुरु अशोक से पूछते हैं कि तुम मुझे यह बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वह चींटियां तो बहुत छोटी है और तुम तो इतने विशाल हो, फिर भी तुम उन छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहां है तो तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा बल? इसका जवाब देते हुए अशोक ने कहा कि हे गुरुवर, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था, एक बार तो अपने गुस्से में उन चींटियों को भी हानि पहुंचा दी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई, उसी दिन मुझे लगा कि मैं इनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूं, क्यों इनको इतनी तकलीफ दे रहा हूं, और उसी दिन से मैंने उनको हानि पहुंचाने की बजाय, नुकसान पहुंचाने की बजाय, उनकी सहायता करनी शुरू कर दी। यह सुनकर उस गुरु ने कहा कि यही तो सीखने की बात है, एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से कुछ सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली है उन चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो? यह सुनकर अशोक ने पूरी कहानी बयां कर दी। पूरी कहानी सुनने के बाद गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से ले सकते हैं वो यह थी कि तुमने कितनी ही बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर तबाह हो जाए, लेकिन वह हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वह हार मान लेती तो वह चींटियां तुम्हें वहां पर दोबारा नहीं मिलती। जीवन कार्यशील का नाम है, लेकिन हम मनुष्य एक दो बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी जान को खत्म करने पर भी उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों में ने एक बात देखी होगी कि वह अपना जीवन कभी भी खुद से खत्म नहीं कर सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वह जानवर कितना ही भूखा क्यों ना हो, कितना ही दुखी क्यों ना हो, लेकिन वह अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य एक दो बार हताश होने पर ही हम अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कार्यशलता है, कर्म करने का नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तुम परम विश्राम में तो चले ही जाओगे। तो इससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो दूसरा घर बनाने का प्रयास करो। एक बार व्यापार में असफलता मिलती है तो दूसरी बार प्रयास करो, कोशिश करो, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। यह तो तुम उन चींटियों से सीख ही चुके हो। दिखने में कितनी छोटी वो चींटियां और तुम इतने बड़े हो, लेकिन उनका मन तुम्हारे मन से कितना बड़ा है, कितना विशाल है, कितना दृढ़ संकल्प है। कितनी बार घर टूटने पर भी उन चींटियों ने कभी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारा बुरा समय आता है तो हमें लगता है कि यह समय अब कभी नहीं जाएगा, यह समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी नहीं जीने देगा, और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व नहीं है, वो सिर्फ एक विचार है, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसीलिए हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। लेकिन यह तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें हानि पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठकर खड़े हो जाएंगे, फिर से नया प्रयास करते रहेंगे, तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वह भी एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपयाल हो जाएगी, और वह हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी हमने कभी कमाने की इच्छा जताई थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन बाद में तुम उन्हीं चींटियों को अनाज और आटा देने लगे। तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए? क्योंकि तुमने देखा कि वह चींटियां हार नहीं मान रही है। इसी तरह अगर तुम भी अपने जीवन में कभी हार नहीं मानोगे
तो एक ना एक दिन यही प्रकृति तुम्हें वह सब कुछ देगी जो तुम अपने जीवन में पाना चाहते हो, हासिल करना चाहते हो। इसीलिए बच्चा तुम यह सीख हमेशा याद रखना, कर्मशील यानी कर्म करते जाना, और एक ना एक दिन यही प्रकृति तुम्हारी उस कर्म का परिणाम तुम्हें जरूर देगी। अगर आपको यह ऑडियो लर्निंग अच्छी लगी तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि वे भी इससे फायदा उठा सकें। आपके प्यार और सपोर्ट से ही हम और बेहतर कंटेंट ला सकते हैं, तो चलिए मिलकर इस चैनल को बड़ा बनाते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।